स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आप चाहो तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अब देखो गिवन कंडीशन क्या है आपके पास। इफ ए, एक मिनट, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है सर, ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए डॉट पी वी के इक्वल होगा सब। ये अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम ए और बी। अब याद रखना प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, वन ऑफ देम, जब भी तो आपसे ए और बी में से किसी एक की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों के यूनियन की बात कर रहा है। एटलीस्ट के किसकी बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, ए यूनियन बी का क्या लगाएंगे हम, पी ए प्लस पी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है सर। अगला देखो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये रहा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां से पी ए डॉट पी बी लिख सकता हूँ, ठीक है सर, यहां लिख रहा हूं मैं फ्रॉम अबो, आप समझ जाना। अब देखो इसमें से कॉमन आ सकता है क्या, हाँ सर आ सकता है, वैसे दोनों में से आ सकता है कॉमन, तो या इसमें से और इसमें से ले लें कॉमन, है ना, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पता ना, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालें, पी ए निकाल लें कॉमन, हाँ निकाल तो सकते हैं, फिर बचेगा क्या आपके पास, वन माइनस, हाँ कैसे समझ लो यार, चलो इसमें से कॉमन निकाल, तो इसमें से ये चला गया तो वन बचा, माइनस इसमें से ये चला गया तो पी बी बच गया, ठीक है। इसमें से कॉमन लिया, प्लस का पी बी एज इट इज है, गॉट इट, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, वन में से अगर पी बी चला जाएगा, क्या कहा मैंने फिर से सुना, वन में से अगर पी बी चला जाएगा तो क्या बचेगा सर, पी बी डैश बचेगा जो नहीं है, प्लस पी बी, समझ में आया, आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को देखो, इस पूरी वैल्यू को देखो और इस पूरी वैल्यू को देखो, यहां से मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, हाँ सर कर तो सकते हैं, पी बी के लिए मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं, वन माइनस करके पी बी डैश लगा सकते हैं, हाँ सर लगा सकते हैं, या फिर पी ए के लिए भी लगा सकते हैं अपन, ऐसा क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, पी ए के लिए अपन वन माइनस पी ए डैश लगा सकते हैं, लेकिन फिर बस इन दोनों में से कॉमन नहीं उठ पाएगा बस, है ना। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है, अगर मान लो आप इस वन की जगह क्या लिखते हो, वन माइनस पी ए डैश लिखते हो, और ये पी बी डैश है प्लस पी बी, ऐसी वैल्यू। अब आप इस पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये पी ए है एज इट इज है, ठीक है, और ये पी पी डैश है, प्लस इस पी बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वन माइनस पी बी डैश, ठीक है सर। अब आप कॉमन उठाओ, ये पूरा एक वैल्यू है, प्लस वन है, फिर माइनस ये है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर से, सर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है पी बी डैश कॉमन आ रहा है। अगर आपने यहाँ से पी बी डैश निकाल दिया, क्या बचेगा यहाँ, पी ए बचेगा सर, और यहां से आपने ये पूरी वैल्यू निकाली, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या कहना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये पूरी वैल्यू यहां से निकाल दी, केवल ये वाली वैल्यू चुनी है, यहां से आपने कौन सी वाली वैल्यू चुनी है, ये वाली वैल्यू चुनी है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरी वैल्यू किसमें थी, मेरे पास माइनस में थी ये वैल्यू, ठीक है, प्लस वन तो बाहर है उसको छोड़ो आप, है ना, केवल कॉमन किसमें ले रहे हैं, इसमें से, इसमें से ये वाला जो प्लस वन है ना, ये बाहर ही छोड़ दिया मैंने, इसमें से मैंने पी ए डैश निकाल दिया, पी ए बच गया, और इसमें से क्या बचेगा फिर, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, मेरे पास माइनस बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का वन बचेगा। अभी देखना इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी वी डैश लिखा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू वन माइनस पी ए डैश हो जाएगी, सॉरी डैश नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये पी ए हो जाएगी और ये प्लस में वन चल रहा है, ठीक है सर। अब आप बताओ वन माइनस पी ए क्या होता है सर, पी ए डैश होता है, ठीक है सर। अब ये पूरी वैल्यू देखो माइनस में हो गई, हाँ सर हो गई, इस वैल्यू वन को आगे लिख दो, माइनस पी ए डैश लिख दो डॉट पी बी डैश लिख दो, ये लो ये आ गया आपका आर एच एस का इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मतलब कि ये जो ए यूनियन बी था ना एटलीस्ट वाला, ये पूरी वैल्यू
ये आपके आगे 1 माइनस यही आपको लेके आना था। ठीक है, अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पर ये जो पीबी ब्रेक किया है, एक मिनट, क्या मिस्टेक हो गई अपने से यहाँ पे, अच्छा कॉमन लिया था ना, अच्छा हाँ, तो अपन ने क्या किया है यहाँ पे, पीए कॉमन लिया था, इसमें से कॉमन लिया 1 बचा, और इस पूरे में से कॉमन लिया माइनस का पीवी बचा, ऐसा ही किया अपन ने। ठीक है, अपन ने क्या किया फिर यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, किसकी वैल्यू पुट कर दी है, पीबी की वैल्यू 1 माइनस पीबी डैश पुट कर दी है। एनसीईआरटी में देखोगे तो हो सकता है उसने पीए की वैल्यू पुट करी हो 1 माइनस पीए डैश करके, तो आप वैसे भी करोगे तब भी यही आंसर बनेगा, आंसर ये बनना है, बस वैल्यू का चेंज है, मैंने यहाँ से इसको कॉमन लिया है तो वो 2 स्टेप इंक्रीज हो गई होगी, इसमें से कॉमन लोगे तो वो 2 स्टेप कम हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सीधे एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वन 13.2 पर एंटर हो जाएंगे। आई होप कोई आपको डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आई एम हियर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में देखते हैं अपन, बताना आपके कोई भी पर्सनल वगैरह कोई डाउट हो तो, ऐसे जो आपको अलग से टॉपिक्स से हटके किसी गाइड वगैरह समझना है तो वो भी बता देना मुझे कमेंट में, उनका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी देने की। बाकी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, तो फटाफट से बने रहो, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाओ। ओके, गुड बाय।